गेम ऑफ थ्रोन का फाइनल सीजन बहुत ही जल्द रिलीज होने वाला है और इनकेस अगर आपके पास टाइम नहीं है कि सीजन 1 से लेके सीजन 7 तक के एपिसोड देख सकें तो ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। और वही इस रिकैप वीडियो में वो सारी इन्फॉर्मेशन है जिसे आपको देखना चाहिए सीजन 8 के आने से पहले। सातवें सीजन में जहां हमने वेस्टरॉस में देखा कि नाइट किंग ड्रैगन पर सवारी करते हुए दीवार को तोड़ दिया जिसकी सुरक्षा नाइट्स वॉच के आदमी हजारों साल से कर रहे थे, और अब नाइट किंग और उसके 1,00,000 आर्मी धीरे धीरे साउथ की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन डरने की जरूरत नहीं है, जिनका सामना करने के लिए जॉन स्नो जो कि उत्तर के राजा, उनके साथ डेनेरियस टारगेरियन जिन्हें हम मदर ऑफ ड्रैगन के नाम से भी जानते हैं, और ये दोनों नॉर्थ की ओर व्हाइट वॉकर से लड़ने के लिए निकल चुके हैं, जिनके साथ दो ड्रैगन और विंटरफेल में बचे सिपाही, अनसलिड आर्मी, डायरियोनेरिस, वाइल्डलिंग्स, दोथराकी, किंग रॉबर्ट का बेटा जेंड्री, वेरिस, सर डावोस और डेनेरिस टारगेरियन के हैंड टायरिन लैनिस्टर और जेमी लैनिस्टर भी। अगर आप भूल गए हैं तो हम आपको ये बता दें कि जेमी लैनिस्टर ने डेनेरियस के फादर को मार दिया था और ब्रैंडन स्टार्क को विंडो से धकेल दिया था। और इन सब के अलावा जेमी किंग्स लैंडिंग छोड़ देता है जब उसे पता चलता है कि उसकी बहन सर्सी डेनेरियस टारगेरियन से झूठ बोलते हुए ये वादा करती है कि वो व्हाइट वॉकर्स के खिलाफ होने वाले लड़ाई में साथ देगी। और वहीं अगर सर्सी की बात करें तो वो किंग्स लैंडिंग में रुककर अपने होने वाले बच्चे का इंतजार कर रही है जिनके फैमिली में अब कोई भी नहीं बचा, और अब वह खुद के लिए लड़ रही है जिनके साथ ड्वाइंडलिंग लैनिस्टर आर्मी, द क्राउन आर्मी और हाउंड के भाई माउंटेन के साथ साथ थियोन के अंकल यूरोन ग्रेजॉय जो कि सर्सी के सामने घुटने टेकते हुए उनको अपनी रानी मान चुके हैं, और अब वह एसोस से 20,000 आर्मी रिक्रूट करने जा रहे हैं। और इन सब के बीच थियोन अपनी बहन यारा को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, और इसी बीच सेंसा बोल्टन को हराने के बाद विंटरफेल पहुंच चुकी हैं और अपनी बची हुई फैमिली से फिर से मिलती हैं, जिनमें से आर्या और उनके भाई ब्रैंडन स्टार्क हैं। और विंटरफेल में आर्या स्टार्क और सेंसा स्टार्क मिलकर लिटिल फिंगर को उन्हीं के जाल में फंसा कर उनको मौत की सजा सुनाते हैं, और आर्या स्टार्क बहुत मुश्किलें झेलने के बाद अब वो किसी का भी रूप आसानी से ले सकती है, और जिसके इस्तेमाल से वो अपने माँ और भाई का बदला लेते हुए वॉल्डर और उसके आर्मी को मार देती है। और वहीं इसके अलावा आर्या के भाई ब्रैंडन स्टार अब थर्ड आईड रैवन बन चुके हैं जिसकी हेल्प से वे पास्ट और प्रेजेंट में कुछ भी देख सकते हैं। हालांकि दोनों ने ही फर्स्ट सीजन के बाद अभी तक जॉन स्नो से कभी नहीं मिले हैं। और इधर सैमुअल टार्ली 7 सीजन तक रिसर्च करने के बाद कि व्हाइट वॉकर्स को कैसे हराया जा सकता है, और इन सभी जानकारी के साथ विंटरफेल पहुंच चुका है जहां पर वो ब्रैंडन से डिस्कस करता है कि जॉन स्नो नेड स्टार का बास्टर्ड नहीं है जो कि नेड स्टार की बहन और रहगर टारगेरियन का बेटा है जिनका रियल नेम एगॉन टारगेरियन है जो कि राजा बनने के असली हकदार हैं। और जैसा कि हमें पता चलता है कि जॉन स्नो टारगेरियन फैमिली से हैं, तो डेनेरियस टारगेरियन उनकी आंट हुई। बाकी इन दोनों के बीच जो सब कुछ हुआ वो आप सभी ने देखा है। इसके अलावा अगर बात करें डायर वुल्फ की जो कि गेम ऑफ थ्रोन्स के इंपॉर्टेंट हिस्सा है, जिनमें सभी 6 में से 4 की तो डेथ हो चुकी है लेकिन जॉन स्नो के घोस्ट और आर्या स्टार्क की नाइमेरिया अभी जिंदा है, जिनमें से नाइमेरिया को अपने ग्रुप के साथ सीजन 7 में देखा गया था। तो ये रहा गेम ऑफ थ्रोन्स की अब तक की स्टोरी। और इन सब के अलावा गेम ऑफ थ्रोन्स से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आपके मन में है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर आप इसी तरह मूवीज से रिलेटेड अपडेट पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।